दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में यदि आप दिव्या अग्रवाल के फैंस हैं और दिव्या अग्रवाल को यदि आप बिग बॉस के ओटीटी सीजन का विनर के तौर पर देखते थे तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस के इतिहास में पहली बार जो सीजन हुआ है, यानी कि बिग बॉस ओटीटी का जो सीजन हुआ है, उसकी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और बन गई है बिग बॉस ओटीटी सीजन की विजेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रतीक सेजपाल टॉप टू कंटेस्टेंट में शामिल थे, यानी कि दिव्या और प्रतीक के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर थी, लेकिन प्रतीक सेजपाल ने करण जौहर का दिया ऑफर तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि करण जौहर ने जब उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप सूटकेस को उठाकर सीजन 15 के घर में एंट्री कर सकते हैं और उसके कंफर्म कंटेस्टेंट बन सकते हैं, तो प्रतीक ने बिना सोचे समझे अपने सामने रखा सूटकेस उठा लिया और सीजन 15 के पहले फाइनल कंटेस्टेंट बन चुके हैं। जिसके बाद दोस्तों दिव्या और निशांत टॉप टू कंटेस्टेंट बच गए थे और दिव्या अग्रवाल ने निशांत भट्ट को हराकर बिग बॉस के ओटीटी सीजन की पहली ही ट्रॉफी अपने नाम कर डाली है। कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए तो हम सबकी प्यारी दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस के ओटीटी सीजन को जीतकर इस सीजन का नाम अपने नाम कर लिया है। फिलहाल दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताएं, और यदि आप भी दिव्या अग्रवाल को विजेता बनाना चाहते थे और उनके फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।